मैं दो बार जाया जी ते पर सच जाने करे आके जी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट का हले बयान आया है, उन्होंने कहना है कि इस वेले इन्हां कानूनों नू होल्ड क्यों नहीं कर रही है सरकार। कदे वो चंगयानी मियानी जो बोलता आके भी एक कानून इन्हां दी गल करी जांदा। हाँ हसण वाली गल नहीं, सीरीयसली सच्ची जी इदा ही करता मेरे तो, चाहे हुण कोई एलीगेशन लग जाए सच्ची थप्पड़ मारे इन्हां नू बाहर कढ के। इन्हां नू जिहड़े काले कानून ने रद्द करने पैणे ने, अज कर लैण कल कर लैण। कि किसान तो फाइव स्टार होटलों में सोता है जी, इन्हों शर्म नहीं आती कहना फाइव स्टार तुम रहने उ जाके बाहर देखो तो सही। एक कार्ड बड़ा वायरल हो रहा, छब्बी ब्याह हो रहा, पंजाब जो है दिल्ली नू ब्याह जा रहा है जी। ये दिल्ली मतलब दिल्ली जब तक ब्याह नहीं हूँ, दिल्ली जब तक मरना नहीं। किसान मोर्चे की अगर गल करिए, किसान मोर्चे नू भरपूर प्यार मिल रहा है पंजाब इंडस्ट्री का। तो इस वेले जिवें नाल ने सिंह निकू जी ने, गायक जी तुसीं पहले तो मैनू ये दसो किन्नी वार सिंघू बोर्ड जाए। मैं दो बार जाया जी। अच्छा। ते पर सच जाने घर आके जी नहीं लगता, दिल ही करता कि बार बार उत्थे जाइए, उत्थे बैठिए उन्होंने भरावान भैन भरावान के, क्योंकि जिहड़ी तकलीफ दे विच उत्थे हैगे ना, वो तकलीफ बहुत ज़्यादा आ। किसान तो इदू पहलां भी तकलीफ दे विच सीगा, उत्थे तां जिहड़ी ठंड दे विच मीह पै रहा, तरपालां चो रहियां ने थल्ले, बिस्तरियां थल्ले पानी आ रहा, एंड सरकार नूं 1% भी वो महसूस नहीं हो रहा दर्द। सुप्रीम कोर्ट का हले बयान आया है, उन्होंने कहना है कि इस वेले इन्हां कानूनों नूं होल्ड क्यों नहीं कर रही है सरकार, बार बार जो है वो समय क्यों मंग रही हैगी है। मैं पहला भी क्या कहता कि पता नहीं की गल है, मोदी साहब के कन ते जूं क्यों नहीं रेंगदी। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि एक कानून रद्द कर दिओ, किसान तो कहिंदे ने क्योंकि उन्होंने पता है की प्रॉब्लम है कानूनों के विच, है ना। जिस बंदे नूं तकलीफ हुंदी है, जिहड़े बंदे दा ढिड दुखदा है, डॉक्टर नूं उही दस सकदा चंगी तरह कि मैनूं तकलीफ की है, मेरे कित्थे क दर्द हुंदा। सो किसानां ने अपनी प्रॉब्लम कल्ली कल्ली प्रॉब्लम अंदर जाके किसानां दे जिहड़े नुमाइंदे ने जथेबंदियां दे प्रेजिडेंट ने, उन्होंने जाके किन्नी वार अंदर वार्तालाप की है, 8 बार जिहड़ी मीटिंगां हो चुकियां ने उन्होंने जाके हर बार यही दस्सिया कि साडे कानूनां दे विच सानूं शोध नहीं चाहीदी, सानूं एक कानून रद्द चाहीदे ने। तो पता नहीं क्यों सरकार दे समझ नहीं लगती, कना सरकार कहती पई है कि कानून सही ने, कदे वो चंगयानी मियानी जो बोलता आके भी एक कानून इन्हां दी गल करी। हाँ हसण वाली गल नहीं, सीरीयसली मैंने तो चढ़ चढ़ती कल परसों लाइव च कर रहा, कहना आके बस यही कही जा रहे हैं कानून रद्द कर दो, कानून रद्द कर दो, थोनू होर गल नहीं आती कोई। सच्ची जी इदा ही करता मेरे तो, चाहे हुण कोई एलीगेशन लग जाए सच्ची थप्पड़ मारे उन्होंने बाहर कढ़ के, शर्म करो तुसी की बोलते पे हो। पूरी दुनिया सड़कों के उपर निके निके बच्चे मोदी साहब नूं सलाह देंदे ने, इत्थे डुब के मर जाना चाहिए जो छोटे छोटे बच्चे कहिंदे हुण कि तैनू ए कानूनां दी समझ नहीं हैगी। जी आप जो केंद्र सरकार की गल करते हैं ना, पंजाबी गायक अपने इतने कलाकार जब सपोर्ट दे रहे हैं, कितने ना कितने उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई हो रही है। तुम्हें पता ही होगा इनकम टैक्स की रेड्स हो रही है, अगर शिव बराड़ की गल करा उन्होंने गिरफ्तारी होंगी है एक गैंगस्टर कल्चर प्रमोट या गन्स प्रमोट कर गीत दे, तो लगता कितने ना कितने कलाकार जोर पाया जा रहा है कि अंदोलन तो हट जाओ। इदू पहला जिन्हें किसानों ने उत्थे जाके जो रौला पाया, जो बॉर्डर वालों जा रहे थे रस्ते चो पानी वाली बिछाड़ा बंद कीतियां मुंडे ने, कि उन्होंने धरावान नहीं लगियां जे आर्टिस्ट लग जाएंगे फिर की होजूगा। साडे किसान भरावान साडे परिवारों के उपर जे अज मुसीबत है, मैं हुण इदू पहला की बोल के हटिया कि दिल करदा इन्हां नूं टीवी चो कढ थप्पड़ लाई इन्हां दे जिहड़े बंदे इदां बोलदे ने। कल उत्थे जिहड़ा हरियाणे च होया उत्थे किन्ना की कुछ होया, इन्हां दा किन्ना विरोधता हुई है, कि तुहानूं लगदा कि जिहड़ी इन्हां दीआं सरकारां दे नुमाइंदे ने हुण स्टेजां दे उपर जाके बोल लैणगे, हुण कोई गल कर लैणगे अपनी, इन्हां नूं जिहड़े काले कानून ने रद्द करने पैणे ने अज कर लैण कल कर लैण, लेकिन जिन्नी जल्दी करनगे उन्ने चंगे रहणगे, जिन्ना टाइम लाउणगे उन्ने औखे होणगे। औखे होण दी तां ऑलरेडी गल है, क्योंकि मीह पै रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो राशन पानी किसानों वाला जो है पूरा इस वेले इंतजाम किया, उस उत्ते भी नज़र रखी जा रही है ना। मीह पानी किसानों लई है, इन्हां लई थोड़ी आराम नाल अंदर बैठे ने, एंड अंदर बैठे कह की रहे ने कि किसान तो फाइव स्टार होटलों में सोता है जी, इन्हां नूं शर्म नहीं आती कहना फाइव स्टार तुसीं रहिंदे हो उत्थे जाके बाहर देखो तो सही। इहदा मतलब तुसीं हले बॉर्डर ते आए नहीं, जां बॉर्डर दी तुसीं न्यूज़ मार के देखदे नहीं, तुहानूं इह लगदा वी इह तां ऐवें कोई ऐरे गैरे बैठे ने उत्थे चार बंदे ने,
एक दिन मोदी साहब की भी एक चलती सी स्पी लाइव के उन्होंने अलग अलग सूबे के उत्ते वो किसान बिठाए ने तो वो कह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कानून आपके हित में है ये है वो है वो एंड वो किसान कह रहे हैं हाँ जी हमारे हित में है हमने वो आपका जो की होंगे ने बीमे बीमा योजना जो हमने ली थी हमारी फसल 50,000 का हमें हुआ कोई न हमारी वो थी लागत थी वो नुकसान हो गया बारिश आ गई ये हो गया उसके बाद हमें बीमे का 1.5 लाख रुपया मिल गया हमें तो 1 लाख रुपया ज़्यादा आ गया तो मुझसे बोल रहे हैं कि अच्छा आपको फ़ायदा हुआ तो मतलब आपके हित में है कहना हाँ हमारे हित में है इत्थे गल करदे ने किसान अज दे रोला नहीं पा रहे ने बहुत चिर तो रोला पा रहे ने कई बार किसानां ने आत्महत्या कीती है क्योंकि कर्ज माफी दी जगत गल अक्सर कीती है अक्सर आत्महत्या कीती है ते हुण देखो बॉर्डर दे उपर किन्ने किसान ने जिहड़े शहीद हो चुके ने किन्ने ये सिस्टम दे विच दुर्घटनावां दे विच लोक साडे जिहड़े नौजवान मरे ने ते सरकार नूं तां वी महसूस नहीं हो रहा फिर भी धारावां साडे किसानां दे उपर लाईआं जांदियां ने जां आर्टिस्टां नूं इदां दी धमकियां जिहड़ियां तुसीं जिवें कहिंदे हो कि श्री बराड़ दे उपर हो गई जां होर आर्टिस्टां नूं बोलिया जांदा कि तुहाडे ते धारावां लगणगियां ने तुसीं आ गाणे गाउणे बंद कर दिओ आ कर दिओ असीं तां जद तक इह किसान अंदोलन बंद नहीं हुंदा इह काले कानून रद्द नहीं हुंदे जद तक अपने सारे कमर्शियल गाने छड्ड के सिर्फ किसानां दे गीत गावांगे किसानां दे हक दी गल करांगे किसानां नाल मोढा नाल मोढा जुड़ के खड़ांगे किसानां दे कदम च कदम मिला के नाल चलांगे ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੱਕੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖੋਜਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਭੂਕੰਪ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 26 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ
एंड दूजी गल ये भी है कि जब तक एक कानून रद्द नहीं होंगे किसान वापस नहीं आने, ये दिल्ली में व्याहन वाली गल है। जिन्ने किसान उसे रोज़ बैठे सारा दिन दुख दे विच तकलीफ दे विच मीह कणी दे विच ठंड दे विच बैठने दे बावजूद भी शाम नू चढ़दी कला दी पूरी मनुखता दी चढ़दी कला दी अरदास करदे ने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, ते ओ ना अकण वाले ने ना थकण वाले ने, ओ दिल्ली नू व्याह के वापस आउणगे। बहुत वधिया गल कही है नीकू साहब ने जी कि ना आकण वाले ना थकण वाले ने, हुण जे है दिल्ली जित के जे है आउण वाले ने। कैमरामैन दविंदर दे नाल नीरू बिजलवान, फैक्ट न्यूज़। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।